हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल के माध्यम से और आने वाले सभी वीडियोस में हम बात करेंगे सोशल, इकोनॉमिकल, एनवायरमेंटल और करंट इश्यूज के बारे में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप घर रहकर कैसे कोविड से रिकवरी कर सकते हैं। मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, बिकॉज मेरी फैमिली मेम्बर्स को और मेरी फ्रेंड सर्कल में हो चुका है और वो सभी प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हुए घर पर ठीक हो चुके हैं। तो आइए जानते हैं वो टिप्स एंड टूल्स क्या है जिसको आप फॉलो करके घर पर रिकवर हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि कोविड के सिम्टम्स क्या होते हैं। आपके स्क्रीन पे अभी आ रहा होगा सबसे ज्यादा कॉमन सिम्टम्स और लेस कॉमन सिम्टम्स। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स है, प्लीज प्लीज टेक इट सीरियसली। आप खुद को आइसोलेट कर लें और फैमिली मेंबर्स को क्वारंटाइन कर लें और RT-PCR का टेस्ट जरूर कराएं। लोगों के अंदर एक बहुत ही बड़ा मिथ है कि क्वारंटीन और आइसोलेशन, वो दोनों चीज़ों को सेम समझते हैं। क्वारंटीन का मतलब ये होता है कि जब आपने RT-PCR टेस्ट कराया है तो आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ 14 दिन के लिए बाहर नहीं जा सकते। आइसोलेशन का मतलब ऑन द अदर हैंड ये होता है कि जिसको कोविड हुआ है वो खुद को सेपरेट रखे अपनी फैमिली मेंबर्स एक अलग रूम में। आई होप कि आपको क्वारंटीन और आइसोलेशन का मतलब अच्छे से समझ आया होगा। आइए अब जानते हैं कि आपका टेस्ट पॉजिटिव होने के बाद आपको क्या करना चाहिए। आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आपको पता चल चुका है कि आपको कोविड हो चुका है, अब आपको क्या करना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि आप बिल्कुल अपने आप को आइसोलेट कर लें और इस आइसोलेशन के दौरान आप इंश्योर करें कि आप किसी के भी कांटेक्ट में नहीं आते हैं। और अगर आ रहे हैं तो जैसे कि गवर्नमेंट का स्लोगन है, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी, वो जरूर करें और अपने फैमिली मेंबर्स को भी बताएं कि वो क्लिनिकली अप्रूव्ड मास्क लगाकर ही आपके आसपास आए और डॉक्टर्स की एडवाइस जरूर। अब अगला क्वेश्चन आता है कि जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि अब आपको कोविड हो चुका है, आप सेल्फ आइसोलेट कर चुके हैं, अब अपने फैमिली मेंबर्स को आप कैसे हेल्प कर सकते हैं। इन द मॉर्निंग आप गार्गल करें गर्म पानी और नमक के साथ, या फिर क्लिनिकली अप्रूव्ड गार्गल मिंट आता है उसको भी आप यूज कर सकते हैं। ये गार्गल आप सुबह और शाम को 2 बार कर सकते हैं। उसके अलावा आप स्टीम लें, भाप लें सुबह शाम 2 बार। और सबसे जरूरी बात, आप अपना टेम्परेचर और ऑक्सीजन लेवल जरूर चेक करें। अगर आपके पास ऑक्सीमीटर नहीं है तो प्लीज उसे अवेल करें और आप गवर्नमेंट हेल्पलाइन पे भी फोन कर सकते हैं, कई केसेस में वो डिलीवर कर देते हैं। ऑक्सीजन लेवल चेक करने का सबसे अच्छा तरीका और सटीक तरीका होता है कि आप कम से कम 5 से 10 मिनट की वॉक करें और उसके बाद आप ऑक्सीजन लेवल चेक करें। ऑक्सीजन लेवल अगर आपका 95% to 100% के बीच में है उसका मतलब आपका ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल ठीक है। बट अगर आपका ऑक्सीजन लेवल डिप होता है, 95% से नीचे आ जाता है या 90% से नीचे आ जाता है, तो प्लीज इंश्योर दैट आप डॉक्टर से कंसल्ट करें या आपके नियरेस्ट हॉस्पिटल में। एक चीज़ मुझे मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि जो भी क्लिनिकली अप्रूव्ड मेडिसिन है उसका सेवन जरूर करें ड्यूरिंग योर कोविड रिकवरी। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपके जो यूटेंशियल्स, क्लोथ्स और जो भी चीज़ें आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको इंश्योर करें कि या तो आप खुद ही उसको क्लीन करें अगर आप बहुत ज़्यादा टाइट फील नहीं कर रहे हैं। अगर आपके फैमिली मेम्बर्स आपकी हेल्प कर रहे हैं तो प्लीज़ इंश्योर कि आप उन डिशेस को या क्लोथ्स को गर्म पानी के अंदर भिगो के रखें ताकि वो आए और उसको क्लीन करें, ताकि वो भी इन्फेक्ट ना हो, और हमेशा मास्क लगा कर। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है कि हम अपनी डाइट में क्या रखें। जैसा कि आपको पता है कि कोविड में बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड्स लें, फ्लूइड पानी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें और आप ज़्यादा से ज़्यादा रिच प्रोटीन युक्त खाने का प्रयोग करें। सुबह और शाम को आप वॉलनट यानी कि अखरोट और अंजीर और साथ में 2 अंडे ये ज़रूर खाएं। कोशिश करें कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, योगा, अगर आपको बहुत ज़्यादा टायर्डनेस फील नहीं हो रहा है तो इसको रेगुलर बेसिस पे आप कोशिश करें कि आप चीनी और नमक का प्रयोग कम से कम करें।
जैसे ही आप ये सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स लेंगे तो आप देखेंगे कि विद इन 10 डेज आप रिकवर करने लगे और आफ्टर 14 डेज आप काफ़ी हद तक बेहतर फील करें। जब आपकी कोविड रिकवरी हो पोस्ट 14 डेज जब आपको होता है तो आप अवॉइड अल्कोहल एंड स्मोकिंग, ज़्यादा से ज़्यादा एम्पल अमाउंट ऑफ स्लीप लें और न्यूट्रिशन रिच फूड खाएं। अब बात करते हैं कि पोस्ट कोविड रिकवरी क्या करना चाहिए। सबसे ज़रूरी बात है कि कोविड रिकवरी के बाद भी आपको वीकनेस, फटीग, टायर्डनेस और बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, तो उस केस में अगले एक हफ्ते या 10 दिन तक आप खुद को मॉनिटर करें, ऑक्सीजन लेवल चेक करें, टेम्परेचर चेक करें और इसके अलावा एक्सरसाइज रेगुलरली एक्सरसाइज करें। कई केसेस में क्या होता है कि कोविड होने के बाद भी लोगों को वीकनेस बहुत ज़्यादा रहती है, कई महीनों तक रहती है। उस वीकनेस को अवॉइड करने के लिए आप रेगुलरली एक रूटीन बना लें और डेली गार्गल, फ्रूट्स, योगा, एक्सरसाइज ये सब करें और पैनिक ना हो, स्ट्रेस ना लें, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी एज 60 प्लस है और आपको कोई कॉरोनरी डिजीज है, हाई डायबिटीज, हाइपरटेंशन ये सब है, तो मेरी आपसे यही गुजारिश होगी कि आप हॉस्पिटल में डॉक्टर से कंसल्ट कर ही सारे प्रोसीजर्स को फॉलो करें। इसके अलावा मैंने आपके लिए 3 मंत्रास बनाए हैं, उस 3 मंत्रा को आप फॉलो करें। तो वो 3 मंत्रा क्या है? क्वारंटीन, आइसोलेशन एंड मॉनिटरिंग। ये मंत्र अगर आप फॉलो करते हैं तो आई एम श्योर विदिन 14 डेज आप रिकवर हो जाएंगे। इन 3 मंत्रास का मतलब आपको पता है कि क्वारंटीन में क्या करना होता है, आइसोलेशन में क्या करना होता है, मॉनिटरिंग। अगर आप क्वारंटीन, आइसोलेशन, मॉनिटरिंग को फॉलो करते हैं तो जल्द से जल्द रिकवर हो जाएंगे। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं यही बोलना चाहूँगा आपकी फैमिली मेम्बर्स को भी और जिनको कोविड हुआ है, सबसे ज़रूरी कि आप पॉजिटिव रहें, डू नॉट पैनिक एंड सपोर्ट ईच अदर, लव ईच अदर, क्योंकि इस टाइम पर सबसे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। पैनिक से आपका कोविड बेहतर नहीं होगा बल्कि और ख़राब। और जैसा कि विवेकानंद जी ने कहा है, जैसा तुम सोचते हो वैसा तुम बनोगे। अगर तुम खुद को कमज़ोर समझोगे तो कमज़ोर, और खुद को मजबूत समझोगे तो मजबूत। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।